हे गाइस, तो आप लोग भी जीप टाइप का फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं अपने पिक्सार्ट और लाइटरूम के अंदर, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, जिनका फोटो एडिटिंग कर रहा हूँ उनका नाम है अरबाज खान, तो आप लोग उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और ये जो फोटो मैंने क्रॉप किया था पिक्सार्ट के अंदर, क्रॉप कर लिया था और हेयर टचअप कर लिया था मैंने ऑटोडेस्क के अंदर। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। 4x5 का बैकग्राउंड लेना है हम लोग को MT, तो इसकी मैं डिटेलिंग आप लोग को दिखा दूँ। 4000x5000+1.10 MB की है, बाद में इसकी क्वालिटी ज़रा भी लॉस नहीं होगी क्योंकि इसकी जो पिक्सल साइज़ है वो पिक्सल साइज़ काफ़ी बड़ी है। तो मैं इसको पिक्सार्ट में शेयर कर लिया और यहाँ से लेके चले जाऊँगा डायरेक्ट ड्रॉ टूल में। तो पहले आप लोग को डेटा बंद कर लेना है ताकि मतलब आप लोग को मतलब इसमें टाइम ना जाए। तो मैं इसको ड्रॉ टूल में ले लिया और फिर लेयर पैनल ऑन करके एम्प्टी लेयर से मैं एक ऐड फोटो कर लेता हूँ। और जो मैंने फ़ोटो क्रॉप किया था वो मैं कुछ इस हिसाब से मैं ट्रांसफॉर्म करके बिठा लूँगा। तो जब आपका जब फोटो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा फिर आपको एक एम्प्टी लेयर नीचे लेने ला है आप लोग के मॉडल के नीचे, फिर यहाँ से ऐड फोटो करके जो जीप की PNG है ये आप लोग को मिल जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन पे, तो आप लोग इजीली गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये मैं कुछ बिठा लूँगा इस हिसाब से। तो मैं अपने जो मॉडल है उसको एकदम मतलब ऐसा रख लूँगा कि जैसे मतलब हाथ में लिया हुआ है, जैसे कि मतलब पकड़ा हुआ है। तो यहाँ से मैंने कुछ इस हिसाब से उसको ट्रांसफॉर्म करके बिठा लिया है ताकि जैसा कि लगे कि मतलब मॉडल जो है हमारा गाड़ी को मतलब जीप के जो ऊपर का जो बोनेट का साइड का वो जगह जो पकड़ा हुआ हो, ठीक है। बाद में हम लोग को जैसा कि ये बैठ जाए वैसे ही हम लोग और एक एम्प्टी लेयर लेना है नीचे की तरफ और यहाँ से एक बैकग्राउंड ले लेना आप लोग को, यानी कि ये बैकग्राउंड आप लोग को मिल जाएगा। तो ये बैकग्राउंड मैं पीछे की तरफ बिठा लेता हूँ। तो आप लोग कार के नीचे की तरफ भी देख सकते हो कि एक शेडो ऐड हो चुकी है और जो बैकग्राउंड है वो भी काफ़ी मतलब नीचे हाईलाइट कर रहा है। तो कुछ इस हिसाब से आप लोग बिठा लेना। बैठने के बाद ये आप लोग देख सकते हो कि मीन्स काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट पीछे की डिटेलिंग काफ़ी ज़्यादा है तो मैं इसको करने वाला हूँ ब्लर। तो उससे पहले मैं जो है यहाँ से और एक एम्प्टी लेयर बना लेता हूँ। बनाने के बाद जो है मॉडल के नीचे रखने के बाद ऊपर का ब्रश मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद जो है उसको हम लोग यहाँ से कर लेंगे सेट। सेट करने के बाद जो है आप लोग को यहाँ पर सिंपली जो है वो आप लोग को पेंट करते हुए चले जाना है कि जैसे कि मतलब आप लोग का जो शेडो है वो काफ़ी रियलिस्टिक लगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं जैसा स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ वैसे ही आप लोग को स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करते हुए चले जाना है, जैसे कि आप लोग का शेडो बनते चले जाएगा। मीन्स आप लोग को ज़्यादा वहाँ पे पेंट नहीं करना है बट आप लोग को पेंट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रख लेना। तो ये साइड के पोर्शन जो है आप लोग का मतलब पैंट का साइड का पोर्शन वहाँ पर भी शेडो होना चाहिए, तो वहाँ पर भी आप लोग को जो है सिंपली पेंट करते हुए चले जाना है। तो यहाँ पे गाड़ी है तो उस चीज़ का ध्यान रखना, मतलब आप लोग वहाँ से सीधा लाइन खींचते हुए मत चले जाना जीप के यहाँ से, ठीक है। तो मैं यहाँ से कुछ इस हिसाब से जो है पूरा पेंट करते हुए चले जा रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ से अगर जूम करके देखोगे तो आप लोग को जो शेडो है वो काफ़ी मिल जाएगी। और जो शूज़ के नीचे का जो पोर्शन है उसको आप लोग को थोड़ा डार्क कर लेना है, ठीक है। शूज़ के जो नीचे का पोर्शन है उसको आप लोग को डार्क कर लेना है कुछ इस हिसाब से। तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा आप लोग पेंट कीजिए जिससे कि थोड़ा मतलब डार्क हो जाए, बट जहाँ पे पेंट कर रहे हो उससे ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ने जब पेंट कर लिया तो आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी रियलिस्टिक लग रही है। तो ये जो है हमारा PNG जो मतलब हम लोग ने शेडो बना लिया उसको मैं जीप के साथ मर्ज कर लेता हूँ और जो मॉडल है उसको भी जीप के साथ मर्ज कर लेता हूँ। फिर दोनों को बैकग्राउंड जो है हमारा वाइट कलर का बैकग्राउंड है और जो ये है उसको हम लोग आई बटन से क्लोज कर लेंगे। क्लोज़ करने के बाद जो है हम लोग को यहाँ से इमेज को सेव कर लेना है, फिर मॉडल को डिलीट कर देंगे और हमारा बैकग्राउंड जो है आई बटन से वापस से चालू कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ से हम लोग उसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद जो है यहाँ से हम लोग इफेक्ट्स टूल्स में चले जाएंगे। इफेक्ट्स टूल्स में जाने के बाद जो है यहाँ से हम लोग को ब्लर टूल में चले जाना है। ब्लर लेने के बाद जो है हम लोग को यहाँ से रेडियस हम लोग 10 रख लेंगे। 10 रखने के बाद जो है नीचे का जो पोर्शन है हमारा उसको हम लोग शार्प कर लेंगे। फिर यहाँ से राइट करने के बाद हम लोग चले जाएंगे ड्रॉ टूल के अंदर। वापस से यहाँ से हम लोग लेयर ओपन करके एम्प्टी लेयर से ऐड फोटो कर लेंगे और जो हमारा जीप था उसको हम लोग कुछ इस हिसाब से वापस से ट्रांसफॉर्म कर लेंगे क्योंकि हम लोग को पीछे का बैकग्राउंड ब्लर चाहिए था और ड्रॉ टूल में जो है वो ब्लर का ऑप्शन है नहीं, इसके लिए मैंने वैसा किया था। तो यहाँ से जो है हम लोग को और एक एम्प्टी लेयर ले लेना है, फिर यहाँ से ऐड फोटो करेंगे और ये जो वाइट लेंस फ्लेयर PNG ये आप लोग को मिल जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से आप लोग को जस्ट
ब्लेंड कर लेना है आप लोग को स्क्रीन में, और आप लोग को जीप का जो लाइट है वहाँ पे लगा देना है। तो यहाँ से मैं इसको ऐड करके देख रहा हूँ प्लस लाइटन करके देख रहा हूँ, तो मेरे को लाइटन काफ़ी अच्छा लगा। तो आप लोग लाइटन यूज़ करना, ताकि जो हम लोग लाइट रूम में जब हम लोग कलर ग्रेड करेंगे तो उसमें काफ़ी अच्छा लुक देगा, ठीक है। तो मैंने उस वही लेयर को हमने कॉपी कर लिया, कॉपी करके जो है ट्रांसफॉर्म करके मैंने दूसरे लाइट की तरफ भी मैंने बिठा लिया है। अब मैं जो है मेरा जो मतलब मॉडल है जीप के साथ जो अटैच है आप लोग देख सकते हो, उसको मैं बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर लेता हूँ, और ये जो वाइट लेंस PNG है वो भी मैं बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर लेता हूँ। फिर यहाँ से एक एम्प्टी लेयर लेके वापस से ऐड फोटो कर लूँगा, और ये जो सन रिफ्लेक्ट की PNG है ये आप लोग को मिल जाएगी। तो ये आप लोग को जो दूसरा साइड का जो लाइट है आप लोग को वो लाइट के तरफ जो है वहाँ पे बिठा लेना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो मैंने वही लेयर को वापस से कॉपी कर लिया है। तो ये जो ब्लेंड करोगे ये आप लोग स्क्रीन ही रखना है, इसको लाइटन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये छोटा लाइट है और छोटा लाइट काफ़ी मतलब पावरफुल दिखा रहे हैं हम लोग इसमें, तो ये जो है वो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो यहाँ से जो है और एक आप लोग को जो है सन रिफ्लेक्ट PNG ये आप लोग को वापस से ले लेना है। आप लोग मॉडल का फेस देख सकते हो कि साइड की तरफ से सन का रिफ्लेक्ट आ रहा था, तो उसके वजह से मैंने वो यूज़ किया, ताकि जो PNG है उसमें कवर हो जाए उसका फेस, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको भी मर्ज कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप लोग कुछ अलग से एडिशनल ऐड करना चाहते हो तो आप लोग ऐड कर सकते हो, अदरवाइज़ आप लोग ऐड मत करना। यहाँ से जो है 3 डॉट से इमेज को सेव कर लेना, जैसे कि मैं अभी सेव कर रहा हूँ, और गैलरी में एक बार रिव्यू देख लेते कि मीन्स इमेज कैसी बनी है हमारी। तो आप लोग इमेज की क्वालिटी और इमेज का एडिटिंग देख सकते हो कि ये पिक्सार्ट के अंदर काफ़ी अच्छा एडिट हुआ है। तो यहाँ से हम लोग चले जाते हैं वापस से लाइट रूम के अंदर, ताकि हम लोग जो लाइट रूम के अंदर कलर ग्रेड कर सके। तो गाइस अगर हम लोग आ गए लाइट रूम के अंदर, तो यहाँ से अगर आप लोग को चाहिए आप लोग ऑटो इफेक्ट यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग को मतलब नॉर्मली अगर कुछ एडिट नहीं करना है तो यहाँ पे एक प्रीसेट है NSB पिक्चर की तरफ से, रिच लुक प्रीसेट, तो ये भी आप लोग को मिल जाएगी लिंक डिस्क्रिप्शन पे। और भी NSB पिक्चर्स के मतलब काफ़ी सारे प्रीसेट काफ़ी अच्छे हैं, आप लोग को मालूम ही होगा। तो यहाँ से जस्ट है आप लोग को 3 डॉट से इसकी सेटिंग्स कॉपी करनी है, सिलेक्ट करके आप लोग को ऑल नहीं करना है, जस्ट आप लोग को सेटिंग्स कॉपी करनी है, और आपका जो फ़ोटो रहेगा फ़ोटो में आप लोग को चले जाना है। फ़ोटो में चले जाने के बाद यहाँ से 3 डॉट से सेव ये पेस्ट सेटिंग कर देना है आप लोग को। जब आप लोग की रिच लुक की जो इफेक्ट है वो काफ़ी चढ़ जाएगी, मीन्स उतनी अगर प्रॉपर अगर नहीं चढ़ रही है तो आप लोग को यहाँ पे कुछ मैनुअली एडिट्स करना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था कि एक प्रीसेट या कोई अलग प्रीसेट हर फोटो पे अच्छी नहीं लगती, अलग अलग फ़ोटोज़ पे अच्छी लगती है। तो ये जो प्रीसेट है ये मतलब थोड़ा डार्क था, तो इसके लिए मैंने उसमें थोड़ा बहुत कलर एडजस्टमेंट किया है। तो आप लोग भी इसमें मतलब कलर एडजस्टमेंट कर सकते हो अगर आप लोग को ज़रूरत लगे तो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने इसमें कलर्स में छेड़छाड़ की है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने ऑरेंज कलर की जो ल्यूमिनेंस है मैंने उसको थोड़ा बढ़ा लिया, ताकि जो मेरा मॉडल है वो थोड़ा गोरा दिखे। और इसमें से जो मैंने क्लैरिटी देखा चेक किया तो क्लैरिटी फिर भी ठीक थी इसमें। अब यहाँ से जो है शार्पनिंग थी इमेज की नहीं थी, तो मैंने इसकी जो शार्पनिंग है इमेज की मैंने शार्पनिंग बढ़ा ली है, जैसे कि मैंने 40 रख लिया, और इसकी जो रिमूव क्रोमेटिक एबरेशन रख लिया है। अब ये इमेज देख सकते हो कि मेरे हिसाब से परफेक्ट बनी है, तो आप लोग को भी परफेक्ट ऐसा मतलब बना सकते हो आप लोग भी। तो मैं यहाँ से इमेज को गाइस सेव कर लेता हूँ, और एक बार हम लोग रिव्यू देख लेंगे। तो गाइस हो चुकी है ये वीडियो रेडी, तो आशा करता हूँ गाइस आप लोग को वीडियो समझ में आएगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।